अभी हम हैं शाइब से पहले और हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो ये है ब्रेड ऑमलेट और ये है कॉफ़ी। तो भाई ले रहे हैं मैगी, ये है मैगी, 2 मिनट नूडल बस अब नाश्ता करके फिर चलेंगे। अभी 2 आवर्स की राइड हमारी और बची हुई है, तो सीधा हम पेंगोंग लेक पे जाके हाफ एन आवर या 1 घंटा वहाँ एंजॉय करेंगे, वहाँ फोटोग्राफी करेंगे, फिर वापस ले को। हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट फिनिश, चल पड़े हैं पेंगोंग लेक की तरफ। तो अभी आएगा शायोक विलेज, जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो हमने क्रॉस कर लिया है। अभी रेस्टोरेंट वाले भाई ने बताया कि वो मेन पार्ट ख़त्म हो गया है और पुलिस वाले अब किसी को जाने नहीं देंगे इसके बाद 1 घंटे बाद, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए एडवाइस है आप सभी से, यार जो भी इस रूट को यूज़ करें तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाए, आपको बहुत कम वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। ये मशीन जा रही है साफ करने गलवान किचन शायोक। शायोक आ गया है, शायोक अब दुर्बुक है 18। तो हम शायोक विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, दुर्बुक है 18 किलोमीटर और 2 घंटे में हम पेंगोंग लेक को पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है यार खाने पीने के लिए और अपना नाश्ता पानी। सुबह जल्दी निकलोगे तो यहाँ पे बीच में आके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट शायोक में। और ये हमारे साथ जा रही है शायोक रिवर, शायोक रिवर का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से, ये आगे गांव आ गया है। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी टूरिस्ट होते हैं अपना ले से बाइक हायर करते हैं और ये फिर अपना पूरा नुब्रा वैली पेंगोंग वगैरह बाइक पे घूमते हैं, और मोस्टली सभी बुलेट या फिर हिमालयन लेके घूमते हैं। मैंने 99% देखी है कि बुलेट ही ज़्यादा लेते हैं, अपना क्लासिक होगी, अपना स्टैंडर्ड होगी। कल अपने को दिल्ली के 4 दोस्त मिले थे, वो भी 2 बाइक लेके घूम रहे थे, ले से बाइक ली उन्होंने, फ्लाइट से ले पहुँचे, फिर वहाँ से बाइक ले ली। ये भाई देखो हेलमेट के बिना ही चल रहा है। तो ये भी कोई पास है, अभी हम माउंटेन के ऊपर चढ़े थे अब नीचे उतर रहे हैं, ये कोई पास है। अब पास का नाम तो दिखा नहीं है यहाँ पे, जहाँ भी पासिस होते हैं वहाँ पे ये प्रेयर फ्लैग होते हैं, वो वहाँ पे बांधे होते हैं, आपको बहुत ढेर सारे फ्लैग्स आपको मिल जाएंगे प्रेयर वाले फ्लैग्स इनके। अभी प्रेयर फ्लैग भी लेने मैंने, दुर्बुक 12 किलोमीटर अब पूरा डाउन जाना पड़ेगा हमें, और डाउन आप हमेशा फर्स्ट या सेकंड गियर में ही उतारें, ये पहाड़ों का नियम है, अपनी बाइक को हमेशा गियर में उतारें, ना कि फ्रंट ब्रेक मार के। फ्रंट ब्रेक तो बिल्कुल नहीं मारनी अगर आपकी बाइक ABS नहीं है, तो ABS है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अभी रास्ता कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और नया ब्रिज बन चुका है, लास्ट टाइम मैं पुराने ब्रिज से गया था। रास्ता रुका हुआ था, पीछे 5-6 गाड़ी इकट्ठी खड़ी थी। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे, कहाँ से आया ले? पीछे से कहाँ से आए? लखनऊ से।
हेलमेट पहनो यार, बहुत रिस्की होता है। अब भाई ने हेलमेट तो पहन लिया लेकिन स्ट्रैप नहीं लगाया, क्या फ़ायदा हुआ। अभी हमने ये ब्रिज क्रॉस किया है, अगर आपने हेलमेट पहना हो स्ट्रैप ना लगाना हो तो बात बराबर है, आप सोच लो कि आपने हेलमेट पहना ही नहीं है। ये गलती बहुत भारी पड़ती है कई बार। लखनऊ से आए हुए हैं भाई साहब, पहले तो हेलमेट नहीं पहना था, अभी मैंने बोला हेलमेट पहन ले तो पहन तो लिए भाई ने लेकिन स्टेप नहीं लगाया। चलो भाई की मर्जी, खतरों के खिलाड़ी हैं भाई साहब। चांगला 43 ले 110 दुर्भुग 0, तो ये सीधा रास्ता जाता है ले को, वापसी हम इसी रास्ते से चांगला से होके जाएंगे और लेफ्ट को जाएगा पेंगोंग लेक को। तो हम पहुंच गए हैं दुर्भुग, ये तीसरा गांव है सुंदर के बाद जो पेंगोंग लेक को रास्ते पे पड़ता है, तीसरा गांव, जैसे पहला आगम, दूसरा शायोक, तीसरा दुर्भुग। दुर्भुग से दो रास्ते जाते हैं, एक आपको ले जाना है तो लेक का रास्ता भी जाता है, दूसरा पेंगोंग लेक। तो हमें वापसी इसी रास्ते पे आना पड़ेगा और ले के लिए, ले जाने के लिए इसी रास्ते से आना पड़ेगा। तो हमने दुर्भुग को भी क्रॉस कर दिया है। दो रास्ते निकलते हैं चूसुल के लिए, ये नीचे से रास्ता जा रहा है, ये चूसुल को रास्ता जा रहा है और पेंगोंग से भी रास्ता जाता है और यहाँ से भी रास्ता जाता है। हैं? ओवरटेक? वो तुम्हारा स्लो था ना, पीछे पीछे से आ रहा था, स्लो था ना तुम्हारा भाई, स्लो था, आप बहुत स्लो थे, वो आपका पूरा स्पेस था उधर भाई, आपका स्लो था और जगह बहुत थी उस टाइम। अरे स्लो था इसलिए बना लो। तो पेंगोंग लेक से पहले लोकुंग गांव है कोई 27 किलोमीटर, पेंगोंग लेक यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर रह गया है और रोड बहुत ही मस्त है इस समय, तो कम से कम 40 मिनट लगेंगे हमें और पहुँचने में पेंगोंग लेक। और यहाँ पीछे दो तीन कैंपिंग साइट भी आए हैं, अगर आप यहाँ कैंप लगाना चाहते हैं तो यहाँ आराम से लगा सकते हैं, कैंपिंग साइट है। ठीक से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे हम पेंगोंग के करीब करीब पहुंच गए हैं और 4-5 किलोमीटर बाद हमें पेंगोंग दिखाई देने लग जाएगी। और अभी हम आयरन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और समय जो हुआ है 11:40 हो गए हैं, ऑलमोस्ट हमें 5.5 आवर हो गए हैं, 5.5 घंटे हो गए हैं राइड करते हुए। बीच में हमने बस एक दो ब्रेक लिए थे, एक तो हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था और एक फ़ोटोग्राफी के लिए लिए था बस, इसके अलावा हम नॉन स्टॉप ही आए हैं। कुल मिला के रास्ता ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है और वाटर क्रॉसिंग भी हमें बहुत कम मिली है ड्यू टू हम सुबह सुबह निकल आए हैं। रास्ता कई दिन से बंद कर रखा था, तो वो लोकल भाई बता रहे थे ढाबे वाले कि पिछले सात दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है जिससे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे थे, इस वजह से वाटर क्रॉसिंग बहुत ही ऊपर से पानी आ रहा था। तो सामने देखिए पेंगोंग लेक दिखाई देने लगी है और उसके बाद हम सीधे डाउन पे जाएंगे और पेंगोंग लेक पहुँच जाएंगे हम। ये देखिए सामने वो पीछे लेक नज़र आ रही है और ये पूरा नीचे डाउन जाना है अभी हमने,
लो जी, हम पहुंच गए हैं 2000 किलोमीटर दिल्ली से सफ़र करके पेंगोंग लेक। बहुत ही ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक, और 1/3 इंडिया के पास है और 2/3 ये चाइना के पास है। तो ये देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है पेंगोंग लेक। तो हम अभी आगे जाएंगे, व्यू पॉइंट्स इसके काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। बहुत मेहनत करी है आज सुबह, मतलब कि 5:15 उठ गए थे, 5:30-5:15 के बीच में, और 6:15 हमने बाइक स्टार्ट कर दी थी अपने कैंप से। तो 6:15 से लेके कंटिन्यू हम 11:43, यानी कि 5:50 हो चुके हैं। 5:30 घंटे में हम पहुंच गए हैं, पेंगोंग लेक। पीछे हमारी दोनों बाइक खड़ी हैं और मैं दिखा देता हूं आपको पेंगोंग लेक। ये देखिए सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक, और हम आगे भी जाएंगे वहां तक। यहां पे मोस्टली जितने भी अपना टूरिस्ट हैं यहां पे आते हैं और स्कूटर पे पिक्चर्स खींच करवाते हैं, जैसे कि 3 इडियट में आपने देखा होगा। सांस चढ़ रही है, ऑक्सीजन कमी है यहाँ पे। तो ये सारे स्कूटर खड़े हैं और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं सामने। ये देखिए मेरे बिल्कुल साथ में है लेक, और इसका पानी देखिए क्रिस्टल क्लियर पानी, एक एक कंकर नज़र आ रहा है ये देखो। और ये बहुत ही बढ़िया लेक है, नमकीन पानी की लेक है, ये पूरी नमकीन पानी की लेक है, और ये सीधी आगे निकल जाती है चाइना को। ये सीधे रास्ते से लास्ट टाइम हम गए थे चुसुल को निकल गए थे, ये बिल्कुल लेक के साथ चले गए थे हम चुसुल को, और चुसुल जो है बिल्कुल चाइना के बिल्कुल करीब है, बहुत ही नज़दीक है। इसलिए अब आजकल चुसुल का परमिट नहीं दे रहे ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, पता नहीं क्या है, नहीं तो हम लास्ट टाइम चुसुल गए थे उसके बाद हम ले गए थे इसी रूट से, हम सीधे निकल गए थे यहाँ से। चुसुल लगभग 55 किलोमीटर है, लेकिन चुसुल पहुँचने में ही 4-5 घंटे लग गए थे 50 किलोमीटर कवर करने में, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। तो अमित अभी आए नहीं, अमित आ जाए तो फिर आगे जाएंगे। थोड़ा स्पैमिक विलेज है आगे, और नीचे जा रहा वो सीधा सेकेंड व्यू पे, सेकेंड व्यू पॉइंट है जो लेक का, हम वहाँ जा रहे हैं। सेकेंड व्यू पॉइंट ऑफ पेंगोंग लेक हम चल रहे हैं, और लास्ट टाइम तो यार मज़ा आ गया था पेंगोंग के साथ चलते गए 20-30 किलोमीटर हमने पेंगोंग आगे पूरी कवर करी है। ये जो कोने पर दिखाई दे रहा वो पूरा हम वो कोने से आगे तक गए थे पेंगोंग लेक से, पेंगोंग लेक को पूरा क्रॉस करके हम गए थे चुसुल में, और चुसुल यहाँ से 55 किलोमीटर है इस रूट से जाएँ तो, और दुर्बुक से जाएंगे तो 73 किलोमीटर। दुर्बुक वाला रूट कह रहा है काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाता है अगर आपने यहाँ से जाना है तो, पेंगोंग से तकरीबन 100 किलोमीटर सोच लो वहाँ, यहाँ से पहले आप वापस दुर्बुक जाओगे, दुर्बुक से फिर वापस। ये देखो यार नज़ारे देखो, पेंगोंग लेक के नज़ारे, ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। भाई बहुत गर्मी लग रही थी, मैं तो जैकेट उतार दी है, हल्की हल्की बूंद भी गिर रही है। तो ये है सेकंड व्यू पॉइंट, और यहाँ पे एंटर होते ही एक तो फर्स्ट व्यू पॉइंट आता है, तो मोस्टली टूरिस्ट वहीं से होके चले जाते हैं। और ये है सेकंड व्यू पॉइंट, ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर बाद आता है, और काफ़ी ऑफ रोडिंग करके आना पड़ता है। और ये व्यू देख लो यार, कमाल की है ये पेंगोंग लेक। इसी के पीछे झगड़ा चल रहा है अभी चाइना के साथ, ये देख लो, ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है, और सब ने स्कूटर रखे हुए हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। चलो थोड़ा फोटोग्राफी करता हूँ, फिर उसके बाद वापस चलते हैं।